हेयर वाइटलाइजर। आज जो मैं आपको हेयर वाइटलाइजर दिखाने वाला हूँ, ऐसा हेयर वाइटलाइजर आपने नहीं देखा है। स्टे ट्यून्ड। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्ड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक अनबायस्ड प्रोडक्ट रिव्यू देने वाला हूँ आपको। और वो प्रोडक्ट जो है वो है सेसा का हेयर वाइटलाइजर फॉर मेन। ये मैं कुछ टाइम से अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट के डिटेल्स के अंदर। सबसे पहले प्राइस इज 350 रुपीज़। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ 100 ml, वेरी 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 गुड प्राइस टू क्वांटिटी रेशियो। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे। अगर मैं यहाँ पे इसकी पैकेजिंग की बात करूँ, 4.5 out of 5, मैं थोड़ा और ऊपर भी दे सकता हूँ इसको। एट दिस प्राइस पॉइंट दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट पैकेजिंग दैट यू विल गेट। बॉक्स रियली रियली गुड। अंदर आपको एक कॉम्ब एप्लीकेटर भी देखने मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉटल तो यहाँ पे है ही। सो ओवरऑल देर इज नो कंप्लेंट्स विद द पैकेजिंग एट ऑल। अगर मैं यहाँ पे फ्रेग्रेंस की बात करूँ, ओवर हियर आई एम गोना गिव इट अ 4 out of 5। तो यहाँ पे इट्स अ स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस, सबको पसंद आएगी ये फ्रेग्रेंस। ओनली थिंग इज इट इज स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। अब अगर मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके सामने पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत बड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, तो आराम से पढ़ लेना। Now if I go on to the conclusion, सबसे पहले तो I'll have to give some time to the ingredients, because यहाँ पे जो ingredients डाले गए हैं, चाहे वो आपका त्रिफला हो, जो लोग मुझे follow करते they know I love त्रिफला, ब्रह्मी हो, ब्रिंगराज हो, green tea oil है इसके अंदर, बहुत सारे 19 herbs है इसके अंदर, 11 अच्छी quality के oils है इसके अंदर, and the best part, जो आपको टाइटल में मैंने बताया, इट इज़ अ 5000 year old मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दिस। एंड वो मेथड का नाम है क्षीर पाक विधि। बेसिकली व्हाट इट मींस इज, जो आपके हर्ब्स हैं, जो आपके ऑयल्स हैं, उनको काउज मिल्क के साथ बॉयल किया जाता है। एंड ये जो ऑयल लेता है वो 22 आवर्स लगता है इस ऑयल को बनने में। सो एक बहुत ही इलेबोरेट प्रोसेस होती है। एंड उससे जब ऑयल बन के आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है। अब अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ, तो यहाँ पे एक थिन लाइट ऑयल है जो एक कलरलेस ऑयल है, एंड इट इज़ वेरी वेरी नॉन स्टिकी। एंड नाउ इफ आई लुक एट द ट्रांसफरेबिलिटी, 4.5 out of 5, वेरी वेरी गुड ट्रांसफरेबिलिटी। बट मोर इंपॉर्टेंटली यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट ट्रांसफरेबिलिटी, बिकॉज इसका जो कॉम एप्लीकेटर टूल है दैट इज रियली रियली गुड। कोई भी लीकेज इश्यूज नहीं है यहाँ पे, और वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर देता है आपके स्कैल्प के ऊपर इस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द नरिशमेंट एंड एंटी डैंड्रफ, बिकॉज यहाँ पे उनका एक क्लेम है कि ये एंटी डैंड्रफ है, और अगर आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा होगा तो काफी सारे एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाले गए हैं, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो ऑयल्स हो। सो इन दिस एस्पेक्ट, येस, इफ यू हैव माइल्ड टू मॉडरेट ऑफ द ड्राई फ्लेकी काइंड ऑफ डैंड्रफ, तो यहाँ पे आपको बहुत आराम मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करके। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली नरिशमेंट की अगर मैं बात करूँ, देन इट कोट्स द हेयर शाफ्ट रियली वेल। तो आपकी जो ओवरऑल शाइन, लस्टर, थिकनेस, फील ऑफ हेयर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। एंड अब अगर मैं यहाँ पे उनके क्लेम्स को देखूँ कि बॉक्स के ऊपर उन्होंने क्या क्या क्लेम किया हुआ है, तो सबसे पहले इट स्टिम्युलेट्स हेयर ग्रोथ, एंटी डैंड्रफ है, प्रिवेंट्स ग्रेइंग, आपके हेयर को स्ट्रेंथन करना, हेयर फॉल रोकना, एंड यूवी डैमेज से आपके जो बाल हैं उनको बचाना। मैं इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 2-2.5 weeks से यूज़ कर रहा हूँ अभी। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एंड ओवरऑल द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे बालों को जो शाइन मिलती है इस पर्टिकुलर ऑयल को यूज़ करने के बाद, दैट इज़ रियली रियली गुड। कोटिंग बहुत अच्छी करता है, एंड जब आप इसको लगाते हो एंड थोड़ी सी मसाज करते हो, तभी आपको हल्की सी टिंगलिंग भी महसूस होगी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। दैट मीन्स दैट इट इज़ एक्चुअली यू नो गेटिंग अब्जॉर्ब्ड, एंड योर हेयर फॉलिकल्स आर रिएक्टिंग टू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको जब मैंने ओवरनाइट रखा एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग इसको वॉश ऑफ किया, माई हेयर हैव नेवर फेल्ट सो सॉफ्ट, सो स्मूद, सो सिल्की। इतना बाउंस बालों में आता है इसको यूज़ करने के बाद। ठीक है, ये एक हेयर वाइटलाइजर है जो एक ऑयल बेस है। दिस इज़ नॉट योर रेगुलर टाइप ऑफ हेयर वाइटलाइजर जो आपको एक यू नो वाटर बेस्ड में आएगा, जो एक सीरम टाइप में आएगा। ये एक ऑयल बेस्ड हेयर वाइटलाइजर है, बट बिसाइड्स बीइंग दैट ऑल्सो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कमेंडेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे हेयर रीग्रोथ का जो इनका क्लेम है, आई विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म दैट, बिकॉज इतना ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। बट वॉट आई कैन कन्फर्म, इसकी हेयर फॉल रिडक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेयर, उतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल वो करता है। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे मैंने मेरे कॉम्ब के अंदर, ब्रश, पैडल ब्रश के अंदर बाल दिखाए थे। देर आर हार्डली एनी हेयर आफ्टर ड्राई कॉम्बिंग, वो ड्राई कॉम्बिंग के बाद वाला फोटो था। सो हेयर फॉल रिड्यूस,
करना एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हेयर को स्ट्रेंथन करना रूट से, ये अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हो तो आपको ये महसूस ज़रूर होगा। अब अगर मुझे अपना फाइनल वर्डिक्ट देना है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। सबसे पहले कॉन्स से शुरू करते हैं, एंड मेरे पास आई एम सरप्राइज्ड एक ही कॉन है, लाइक लिटरली, एंड दैट इज़ नॉट इवन अ कॉन, ये एक निट पिकिंग मैं कर रहा हूँ, ये 99% लोगों के लिए कॉन नहीं होने वाला, और वो है इसका स्लाइटली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। सो ये एक डील ब्रेकर नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है टू स्किप दिस प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स में और कोई इशू नहीं है, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद द इंग्रेडिएंट्स, तो मुझे वहाँ पे कोई इशू नहीं है, पैकेजिंग में कोई इशू नहीं है, एप्लीकेशन ओवरऑल रिजल्ट्स में भी कोई इशू नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रोज, नंबर वन प्राइस टू क्वांटिटी, इट्स डैम अफोर्डेबल, ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड मैं खुद चौंक गया था लाइक व्हेन आई गॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट, और मैंने देखा कि यार ये क्षीरपाक विधि है, इतना स्ट्रीनियस प्रोसेस है, 22 आवर्स इसको लगते हैं, फिर भी ये इतना सस्ता कैसे है। एंड देन आई कॉन्टेक्टेड द कंपनी, आई आस्क्ड देम, एंड उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा लिंक है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है यहाँ पे, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो ये है कि जब आप ऐसे टाइप के आयुर्वेदिक मेडिकेटेड, और ये एक प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिकेटेड हेयर ऑयल है, हेयर वाइटलाइजर है, सो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर जाते हो लेने के लिए, तो जो कंपनी आपको बेचती है वो किसी और से बनवाती है, बट सेसा के केस के अंदर सेसा इज़ मेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन देयर ओन, तो खुद से वो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए उनको इतना मतलब बीच में किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू गिव अस अ अफोर्डेबल प्रोडक्ट। एंड इसको यूज़ करने के बाद बालों की फील, द सॉफ्टनेस, द शाइन, द लश्चर, बालों में जो बाउंस आती है, वो सारी चीज़ें इसको लगाने के बाद टॉप नॉच। एंड द लास्ट प्रो हियर इज दैट दिस इज लाइक अ प्रॉपर, नॉट लाइक, दिस इज अ प्रॉपर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, प्रॉपर आयुर्वेदिक मेथड एंड प्रॉपर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। नाउ वी कम ऑन टू द यूसेज, सो अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो बेशक आप इसको यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है यू कैन इवन यूज दिस 1 to 2 times पर वीक एंड यू विल बी फाइन, देर इज नो इशू, यहाँ पे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या कुछ भी नहीं है जिससे आपको डैमेज हो। सो लास्टली ये जो प्रोडक्ट है, ये हेयर वाइटलाइजर जो है, ये किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो बजट में खेलना चाहते हैं, बजट में एक फुल्ली वैल्यू फॉर मनी, गुड पैकेजिंग, गुड प्रोडक्ट, गुड इंग्रेडिएंट्स, गुड इफेक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें अगर आपको एक प्रोडक्ट में चाहिए और वो अफोर्डेबल होना चाहिए, देन दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर यू। नाउ ऑलरेडी 350 इज़ अ अमेजिंग प्राइस फॉर सच अ प्रोडक्ट, बट यू आर ऑन द बियर्डेड छोकरा चैनल और आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा 20% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम यूजिंग द कूपन कोड सेसा बी छोकरा 20। सो गाइज, यही था आज का इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द सेसा हेयर वाइटलाइजर फॉर मेन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया प्लीज़ इट जस्ट टेक्स 1 second लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड सारे लिंक्स, सारे डिटेल्स, सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। With that said, जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye-bye.